एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ की टीम का सफर अमरोहा जिले के गांव मुबारकपुर कलां पहुंचा तो इस गांव की स्थिति को देखकर हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि 5000 की आबादी वाले इस गांव में ना तो पंचायत घर की व्यवस्था है और ना ही यहां पर अस्पताल की व्यवस्था है। स्कूल के हालात तो ऐसे मिले कि यहां मात्र 60 बच्चे प्राथमिक विद्यालय में तो 28 बच्चे जूनियर हाई स्कूल में पंजीकृत मिले। इस गाँव में पानी की निकासी तक की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। ग्राम प्रधान ने बताया कि तमाम कोशिशों के बाद उन्होंने चंद खड़ंजे, सीसी रोड आदि का निर्माण कराया है। इसके साथ साथ उन्होंने 152 शौचालय का निर्माण भी करा लिया है। अगर हम बात आवासों की करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम प्रधान के अनुसार उन्हें 20 आवास की और आवश्यकता है। परिसंपत्ति की बात आने पर उन्होंने बताया कि मेरी ग्राम पंचायत में 200 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है, जो कि बड़े चौंकाने वाली बात लगी, क्योंकि 200 बीघा जमीन बहुत होती है जिस पर अवैध कब्जा हो चुका है, लेकिन इस पर ना तो तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि इस बात की शिकायत भी वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई ना होने के कारण अब उनका भी मनोबल टूटता जा रहा है। मैं प्रधानपति वारिश का ग्राम मुबारकपुर कला। ग्राम में रास्तों के लिए बहुत परेशानी है और पैसा नहीं मिल पा रहा और रास्ते नहीं बन पा रहे हमारे और विकास नहीं हो पा रहा और ना ही विधवा पेंशन बन रही, ना वृद्धा पेंशन बन रही है, ना विकलांग पेंशन बन रही है। तो सरकार इस बारे में हमारे लिए कुछ करे और ताकि गांव का और गरीब लोगों का, जनता का विकास हो सके। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है और गांव में जो है जल निकासी की समस्या ठीक नहीं है। नाले वालों का काम थोड़ा मिल जाए तो काम, नालों का जल निकासी का काम ठीक हो जाए हमारा, और हमें नाला मिल जाए, नाले के लिए पैसा, तो जल निकासी का काम सही हो जाए।